इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्लीव की बहुत डिजाइन कैसे बना। देखिए मैंने स्लीव कट कर लिया है और ये ब्लाउज का स्लीव है, तो आपको स्लीव का साइज बता देते हैं। देखिए लंबाई मैंने अभी 7.25 इंच ली है और इसमें ये पैच भी आने वाला है। तो देखिए ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है, इसकी चौड़ाई बता देते हैं। देखिए ये 4.25 इंच की है मैंने, लेकिन ये तैयार में 3 इंच के आसपास रहेगा। दोनों साइड में इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। इसी तरह से 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। तो जो ये पीस मैंने कट किए हैं, इस पर हम गोटा लेस है, इस लेस को यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए लेस को हम यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में स्टिच करने वाले हैं। तो आप या तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो देखिए कोई भी एक कोना ले लिया है मैंने, तो कोने से इस तरीके से स्केल को रख लेंगे और देखिए इस तरीके की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके की, और जो गैप दिया है मैंने 1 इंच का गैप दिया है, 1 इंच के गैप में ही हम ये सारी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह मैं ये सभी लाइनें ड्रॉ कर लूँगी, और जो लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद जो ये लेस है हम इस तरीके से इस लाइन पर स्टिच कर देंगे, और जो दूसरा पीस लिया है इससे इसकी फिनिशिंग दे देंगे। और देखिए यहाँ पर लूप भी लगने वाले हैं इसी पॉइंट पर, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेट कपड़ा कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई डाल के इसको पलट देंगे, तो ये डोरी तैयार हो जाएगी। फिर इसकी हम पीस कट करके इसको डिजाइन करेंगे। और जो स्लीव की विड्थ ली है वो भी बता देते हैं। देखिए स्लीव की विड्थ मैंने ये 8 इंच ली है। ये 32 से 34 साइज की कुर्ती या ब्लाउज में आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये डिजाइन बनने के बाद काफ़ी अच्छी बने लगेगी, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई। देखिए मैंने जो मार्किंग कर ली है इसी के साइज़ का मैंने एक कैनवास का पीस ले लिया है। इसको मैंने आयरन कर दिया था, चिपक गया है। तो हमने जितनी मार्किंग करी है यहाँ पे इस तरीके से ये गोटा लेस स्टिच कर देते। तो देखिए ये लाइन मैंने पूरी स्टिच कर ली है और अभी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं बीच में से और यहाँ से कट कर देते हैं। और जो मैंने डोरी कट की थी उसको पलट के इस तरीके की डोरी मैंने तैयार कर ली है। अभी यहाँ पे हम इसके लूप बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक ही साइड में लूप बनाने हैं, दूसरी साइड में हमारे मोती या बटन जो भी हम लगाएंगे वो यूज कर लेंगे। तो इसी तरह जो मैंने प्लेन कपड़ा लिया है इसके भी 2 टुकड़े कर लेते हैं। पहले देखिए लूपों को यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं हम इस तरीके से। तो देखिए ये लूप मैंने स्टिच कर दिए हैं। अभी जो हमने कपड़ा लिया है इसे इसकी फिनिशिंग दे देंगे, इस तरीके से रख लेंगे। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं जैसे हमें दिखाई दे। तो देखिए यहाँ से लेके हम पूरा इसको यहाँ तक स्टिच करेंगे, एक साइड का खुला रखेंगे जिसे हम पलट सकें। तो देखिए इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर दिया है, ऊपर से सिलाई डाल दी। सेम इसी तरह जो दूसरा पार्ट था इसको भी मैंने स्टिच कर दिया है। तो ये इस तरीके से आएंगे यहाँ पे। अब बटन या बड़े वाले मोती स्टिच कर सकते हैं। अभी हम इसको स्लीव में अटैच करते हैं। तो देखिए अभी जो स्लीव है यहाँ पर हम एक प्लेट डालेंगे 1/2 इंच की। तो देखिए ये हमारी सेंटर लाइन है, अगर आपने यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, मैंने आयरन कर लिया तो लाइन बन गई है। और एक प्लेट 1/2 इंच का यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 प्लेट हैं इस तरीके से दिखेंगे। अभी देखिए 2 प्लेट हमने यहाँ पर डाल दी, दोनों साइड से एक एक प्लेट। अभी हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अटैच कर लें, जो ये पार्ट है ये हमारी अंदर की तरफ फिनिशिंग आ जाए, और इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। देखिए जो नीचे हमने जो प्लेट डाली थी वही प्लेट हमने यहाँ पे ऊपर 1/2 इंच की डाल दी है। शोल्डर पे यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ दिया है, 1/2 इंच दोनों जगह से। तो जो ये प्लेन है यहाँ पे हमारा ये शोल्डर का सेंटर पॉइंट रहेगा। ये प्लेट आगे की तरफ आएगी, एक पीछे की तरफ। और देखिए इसी तरह से जो हमने ये लुक लगाए उसके लिए मैंने ये मोती ले लिए हैं। आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसमें स्टिच कर देंगे यहाँ पे, और इसके अंदर से निकालेंगे तो देखिए बड़ी आसानी से ये मोती निकल जाएंगे। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए तीनों मोती हमारे इस तरीके से निकलेंगे, तो जब आप पहनेंगे तो इसका लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।